जी हाँ, देखिए नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कहा जाता है कि जिसके कंधे पर उन्होंने हाथ रख दिया वो भी नेता बन गया। हमारे साथ रफीक अंसारी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मेरठ शहर से। उनके कंधे पर भी मुलायम सिंह यादव जी ने हाथ रखा था। रफीक जी, ये बताइए कि मुलायम सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि जिसके कंधे पर हाथ रख दिया वो नेता बन गया। आप भी उन नेताओं में से एक हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने आपके कंधे पर हाथ रखा और आप नेता बन गए। देखिए, हमारे रिश्ते उनसे भावनाएं रिश्ते हैं। आज हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हैं हम सिर्फ आपकी आंखें नम हो रही हैं, आप रो रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैसी यादों को आप याद करते हैं? यादों के गलियारे में आप खो जाते हैं। आप उस दौर को याद करते हैं जब मुलायम सिंह यादव जी ने आपके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो ऐसे नेता बना जाता है। कुछ यादें जो आप शेयर कर सकें, देश तो आज गमगीन है ही। देखिए, बहुत सारी उनकी याद ताज़ा है, लेकिन आज हमारे सामने बहुत बड़ा दुख की घड़ी है। हिंदुस्तान के सेकुलर जम के नंबरदार और माइनॉरिटी के हिमायत करने वाले आज दुनिया से चले गए हैं। आज उनके लिए हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उनके लिए दुआएं हैं कि भगवान उनको अच्छी जगह दे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और ऐसे नेता पैदा नहीं होते हैं। बस एक शेर पढ़ रहा हूँ उनके लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में चमन में होता है दीदावर पैदा, उसका नाम मुलायम सिंह यादव। एक रैली का भी आप जिक्र करते हैं लगातार। जब एक रैली आप कर रहे थे और मुलायम सिंह जी यादव जी उस रैली में आए हुए थे और आप बताते हैं कि देखिए ये भीड़ कितनी आई है, कितनी भीड़ आई है, क्या वाकया था वो पूरा, और मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था और कंधे पर हाथ आपके रखा था उस वक्त? देखिए, ठीक है उमेश, हम फिर से आपके पास आएंगे तमाम